फ्रेंड्स यहाँ पे काफी ज्यादा बाघ का खतरा है। अभी भाई आवाज आई ना यहाँ पे से, यार आवाज सही में बहुत। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही भयानक जगह पे आ रखे हैं। कॉर्बेट का जंगल एरिया है पूरा, और यहाँ पे आए दिन टाइगर का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। और एक बगल में इधर ही गांव है इधर की साइड, और नाला पार करके यहाँ पे एक गांव है, तो वहाँ पे से मतलब कि आए दिन किसी ना किसी का जानवर उठा के ले आता है टाइगर। तो हम एक्यूरेट जगह पे आ चुके हैं। अभी भाई है मेरे साथ, अभी भाई एक डंडा ले लो पहले। तो हाँ भाई, डंडा उठाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जानवर काफी ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इसके नाले के बगल में एक यहाँ गांव में पड़ता है, तो वहाँ से आए दिन जानवर उठ जाते हैं और टाइगर यहीं कहीं पे लाके खाता है। तो फ्रेंड्स हम भी आपको दिखाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे ले आए हैं आपको, और दिखाएंगे कहाँ पे टाइगर आके यहाँ पे जानवर खाता है, बिल्कुल पूरे सबूत के साथ दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स जुड़े रहना ब्लॉग में, और अभी हम उठा रहे डंडे जाएंगे आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी डंडे ढूंढते हैं पहले, तो डंडा डंडा देखते हैं बढ़िया सा, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। ये है, इससे भागेगा टाइगर क्यों अभी भाई? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रिवर आपको दिख रही है इसके इस साइड भी मतलब कि गांव है और इस साइड भी गांव है। तो दोनों गांवों से मतलब कि जो टाइगर है वो जानवर लेके आता है, और इस नाले में जो ये आपको रिवर दिख रही है इस रिवर में वो आकर खाता है। और जैसे कि आपको पता ही है, जो यूट्यूबर है बहुत बड़े यूट्यूबर है रोहित पहाड़ी, चाहे आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना, पहली बात तो आपको पता होगा उनके बारे में। और यहाँ पे कुछ कुछ हमको निशानियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कि ये देखिए, ये जानवर का कुछ मुँह वगैरह या पता नहीं क्या पड़ा है, ये कुछ पड़ा है देखिए, ये देखिए तो दांत है, जबड़ा है शायद उसका। अभी भाई इधर आओ, ये देखिए ये कुछ है यार, खतरा लग रहा है यार मेरे को अभी भाई। हाँ यार ये दांत लग रहा है किसी जानवर के, है ना? और ये खाया भी टाइगर का हुआ है। चल यार चल, डर लग रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक लेग पीस भी पड़ा है, ये देखिए, और ये देखिए कुछ ये भी है पूरा, और ये है भी उसका पूरा मतलब गाय का, गाय या भैंस का है, और कुछ ये भी है, ये देखिए ये तो पूरा हड्डियों का कंगाल ही लग रहा है। देखो ये कंगाल किसी जानवर का कंगाल पड़ा है, और ये देखिए कुछ ये भी निशानी पड़ी है। क्या हुआ अभी भाई, कहाँ? अरे ये तो जबड़ा है यार, और दांत देखो ये जबड़ा ही है यार, और ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है किसी इंसान का होगा भाई। यार यहाँ से मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि चलते हैं यार, डर लग रहा है, जाने में फायदा है यार। फ्रेंड्स ये देखिए पूरा कॉर्बेट का एरिया है ये, और पूरी नदी है खुली, और ये देखिए कुछ मेरे को तो, ये देखिए ये कितनी बड़ी हड्डी है ये सामने, ये देखिए, और कुछ ये है देखिए, ये पूरा कंगाल है जो एक भैंस के अंदर होता है, वो पूरा खाया हुआ है ये देखिए। तो बाकी फ्रेंड तो अभी हम जंगल में आ रखे हैं, कैसा लग रहा है भाई? मुझे तो बहुत ही बेकार लग रहा है, पर बात ये है ना, यहाँ पे काफी सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं जानवरों की, हमने आपको पूरे सबूत के साथ दिखाया, ये कोई फेक नहीं है, मैंने आपको जैसे कि हमने आपको दिखाई दिया पूरा ओरिजिनल है, ये पूरे अच्छे तरीके से दिखाया, कोई फेक नहीं है। फ्रेंड्स कई लोगों के मैसेज आते हैं कि आप फेक दिखा रहे हो, जाली है ये सब, तो फ्रेंड्स हमने आपको पूरा ओरिजिनल दिखाया। और आप प्लीज ऐसे कमेंट मत करना, ये बोलना ही आसान होता है बट करना बहुत टफ होता है, जैसे कि आपने देखा हम कैसे जंगलों के बीच में है और एक ब्लॉग बनाने के चक्कर में। फ्रेंड्स एक तो डर काफी ज्यादा ऐसे लग रहा है, ये देखिए पूरे पत्ते पत्ते हैं, और पांव रखने पे ऐसे लग रहा है कि ये पत्तों की ऐसी आवाज आ रही है कि कहीं कोई जानवर आ गया, कुछ ऐसी आवाज आ रही है। और देखिए पूरा घना जंगल है, चारों तरफ घना जंगल है, कोई इधर कुछ नहीं है और कुछ कोई इधर नहीं है, और कोई पता नहीं कब कहाँ से कोई जानवर आ जाए। हम भी अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब आगे की तरफ, बने रहिए व्लॉग में, और काफ़ी ज़्यादा खतरा मेरे को अभी लग रहा है, अभी भाई चलेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी हम रिवर में जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है वो किसी मतलब कि आदमी की हड्डियाँ लग रही हैं, क्यों? मुझे भी ऐसे लग रहा था यार, मैंने खुद आपसे पूछा क्या लग रहा है वो कन्फर्म में मतलब पता नहीं चल पा रहा है वो किस मतलब कि किसकी हड्डी है। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता ही है आजकल यूट्यूब पे और न्यूज पे काफी ज्यादा हेडलाइन चल रही है टाइगर की, कि शेर आ रहा है और आदमखोर हो गए हैं शेर।
फ्रेंड्स यहाँ पे हमको तो चलने में भी डर लग रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जानवर आ रहा है। वैसे है तो हमारे पैरों की आवाज, बट हमको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं जंगल से निकल के जानवर तो नहीं आ रहा। बट फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए हम चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अभी रिवर में हम पूरी, और ये देखिए चारों तरफ रिवर ही रिवर है। थोड़ा अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, सेफ्टी का पूरा डंडे हैं, पूरा एक डंडा है। शेर के सामने सेफ्टी सुफ्टी का तो कुछ नहीं होता, खुद ही भाग जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी कंगाल मिला या कुछ भी अपडेट हुई हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है अभी, भाई यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है यार मेरे को सही में, और बहुत आवाज़ आ रही है अभी। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं, वहाँ पे हमारे पीछे कोई चीज लग गई थी, पता नहीं क्या चीज थी वो, और काफी गंदी स्मेल आ रही थी उस चीज से। तो हल्की सी आवाज आई, मैंने अभी भाई को बोला कि यहाँ पे कुछ चीज की आवाज आ रही है, उतने में वो हमारे पीछे लग गई और बड़ी मुश्किल से हम भाग के आए हैं, और अभी हम आए अपनी बाइक। तो फ्रेंड्स ये रिवर है देखिए, जो कि हमने बोला था वहाँ पे एक गांव है, उस गांव में हम आ चुके हैं। ये देखिए सामने ये घर है, और वो देखिए जानवर कैसे बंद रखे हैं वहाँ पे, और इधर भी जानवर बांध रखे हैं लोगों ने। तो रात को आता है और जानवर को मार के ले जाता है अपने साथ, और आगे जाके उसी रिवर में खाता है। तो एक ये बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है कि लोगों के घरों में आकर बाघ, अगर अभी तो खाली जानवर लेके जा रहा है, अगर आने वाले दिनों में कोई जानवर ना दिखा और किसी व्यक्ति को ले गया, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सोचने वाला विषय है ये, बहुत बड़ा। इतना जानवर को खतरा है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के लोगों को खतरा है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे सुनने को मिलता है कि यहाँ पे किसी दिन कोई आदमी को ले गया, किसी दिन कोई आदमी को ले गया। और इस गांव के लिए रास्ता भी ये रिवर में से आता है, और रिवर के साथ सारा ये देखिए जंगल है, पूरा कॉर्बेट एरिया है ये। तो इस कॉर्बेट एरिए के मतलब कि बगल में से ये पूरा जंगल है, और ये रास्ता जा रहा है रिवर में से, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे अगर छुप के बैठा हुआ, किसी को कोई पता थोड़ी है कि यहाँ पे बाघ बैठा है छुप के, और वो जाता है और उनको ले जाता है ऐसे उठा के। बहुत ही ज़्यादा खतरा है, एक चिंता का विषय है ये। तो जितना मतलब कि खतरा यहाँ जानवरों का है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के लोगों को खतरा है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना टाइगर से बच के रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पूरा महान जैसा सीन हो रखा है, आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी जानवर को ले ही जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं एक रोहित पहाड़ी, तो उनके मतलब कि बगल में से, मतलब कि वो तो रहते भी मेन रोड पे हैं, उनके बिल्कुल घर के बगल में से मतलब कि गाय को ले गया जानवर उठा के, मेन रोड से आप समझ सकते हैं, मतलब कि रामनगर से हल्द्वानी मार्ग पर उनका घर पड़ता है मेन रोड पे। तो मेन रोड से ही अगर आपको ले आ रहा है तो क्या होगा बताइए, मेन रोड से ही अगर जानवर ले आ रहा है गाय को तो क्या होगा? तो मतलब कि जितना जानवरों को खतरा है, उससे कहीं ज़्यादा आदमियों को खतरा है। एक ना एक दिन तो जानवर ख़त्म होंगे, अब उसके मुंह में खून लग गया और वो किसी न किसी चीज़ को तो खाएगा, मतलब जानवर क्या करेगा आदमी, बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे। फ्रेंड्स ये पूरा कॉर्बेट एरिया पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ, कोई मतलब कि कहीं से लेके कहीं तक नज़र मारोगे तो पूरा आपको दिखेगा, पूरा मतलब कि एक कॉर्बेट एरिया है ये, पूरा जंगल ही है, ऐसे ही है यहाँ का। और करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।